इस धारावाहिक के सभी पात्र घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। उम्मीद सिर्फ रब से, बाकी ख्याल मत रख। कदमों पे गैर के जो दिल का है हाल मत रख। जिसकी तलब नहीं है ऐसा कमाल मत रख। नादान सबके आगे अपना सवाल मत रख। ओ साथ हर राह में हर मोड़ पर, मंजिलों पे है इसकी नजर। मिल जाए उसके जैसा कहीं हम सफर। कट जाए मुसाफिर ये लंबा सफर। हम सफर, 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 हम सफर। देर से अजनबी से कराए जो मेल, हम सफर है हर किसी की ये भारत की रेल। चलते रहना हिम्मत मेहनत प्यार से सफर। इंटरनेशनल क्रिमिनल जिसे आपने किडनैप किया था, हमारे दो आदमियों को मारकर भाग गया है। कैसे? कैसे दीपक, कैसे निकल गया वो, कैसे? और अगर कल तक तुमने उन्हें नहीं बताया ना, तो मैं खुद उनसे मिलकर सब कुछ बता दूंगी। कह दूंगी कि तुम उनसे कितना प्यार करने लगी हो। जब से मैंने उस आदमी को देखा है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पहले भी उसे कहीं देखा है। एक दिल था जो था तो किसी और का, लेकिन धड़कता मेरे सीने में था। वो मेरा पहला प्यार था शिवानी, और इंसान अपना पहला प्यार कभी नहीं भूलता। वो सेटल होने को रेडी नहीं था, जॉब नहीं थी उसके पास। मैं सोचता था जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाऊंगा, शादी नहीं करूंगा। लेकिन जाने से पहले उसने मुझे वादा किया था कि एक दिन वो वहां आकर मामा पापा से मेरा हाथ मांगेगा। और कुछ समय बाद तुम मेरी जिंदगी में आना। लेकिन फिर मुझे एक दिन पता चला कि उसने यहाँ किसी रईस लड़की से शादी कर ली। उसके बाद उसके बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिला।
अब ये तो जरूरी नहीं ना कि अगर मैं अपने पति से प्यार करने भी लगी हूँ तो वो भी मुझसे प्यार करने लग जाए। वो मेरा पहला प्यार था शिवानी, और इंसान अपना पहला प्यार कभी नहीं भूलता। तुम्हारे पति ने जो कुछ भी तुम्हारे लिए किया है ना, उतना तो मोहब्बत में एक दूसरे पर जान लुटा देने के दावे करने वाले लोगों ने भी नहीं किया है। शिवानी, अगर तुम्हारी जिंदगी में यश आ गया और उसे अभी भी तुम्हारा इंतजार हुआ तो तुम क्या करोगे? तो क्या तुम अपने पति को भुला पाओगे? क्या कर रही हो शिवानी? नेहा को फोन लगा रही हो? हाँ, मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि क्या गौरव ही नेहा का। क्या करोगी ये जानकर? मान लो गौरव ही नेहा का एक्स बॉयफ्रेंड है, तब क्या करोगी? ये बात मत भूलो शिवानी कि तुम भी गौरव से प्यार करने लगी हो, और अगर तुमने नेहा और गौरव को मिलवा दिया तो तुम्हारा क्या होगा? जी पाओगी गौरव के बिना? और अब तो नेहा भी ये बात जानती है कि तुम गौरव से प्यार करने लगी हो, और अब मैं भी ये जान चुकी हूं कि गौरव नेहा को अब तक नहीं भुला पाया है। वो आज भी उसी से प्यार करता है, और अगर गौरव ही नेहा का एक्स बॉयफ्रेंड है तो मुझे उन दोनों को मिलवा देना चाहिए, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं कभी चैन की सांस नहीं ले पाऊंगी। गौरव ने पूरी ईमानदारी से मेरा और अपना रिश्ता निभाया है, और अब मेरी बारी है। अगर वो एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं तो मुझे उनके रास्ते से हटना ही होगा, चाहे और कुछ भी हो जाए। हाँ शिवानी बोलो। नेहा, बस बैठे बैठे तुम्हारी और अपनी बारे में सोच रही थी। नेहा, तुमने मुझे अपनी कहानी तो बता दी, लेकिन अपने प्रेमी का नाम नहीं बताया। अच्छा, क्या नाम है उनका नेहा? गौरव, गौरव वर्मा। शिवानी, ऑन सेकंड थॉट, तुमने भी मुझे कभी अपने पति का नाम नहीं बताया। स्ट्रेंज, इज़न्ट इट? नेहा, तुम अभी इसी वक्त हॉस्पिटल चली आओ। नाम क्या? मैं अभी तुम्हें उन्हीं से मिला देती हूँ। अभी इस वक्त? हाँ, तुम आओ तो सही, मुझे तुमसे और भी कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है शिवा। सर, इस फाइल में वो तमाम सारी इंफॉर्मेशन हैं जो आप चाहते हैं। क्या हुआ सर? देखो माधु, इस मुजरिम को आज से कुछ महीने पहले नेपाल से इंडिया डिपोर्ट किया गया था, और हमारी जिस पुलिस टीम ने इसे नेपाल पुलिस से कस्टडी में लिया था, उसके 6 में से 3 मेंबर्स को मार के और 3 को घायल करके ये फरार हो गया था। अगर इसके बाल काट दिए जाए तो
ये वही शक्ल है जिसे मैं अभी अभी सिटी हॉस्पिटल में देख कर आ रहा हूं। शिवानी, हम सब कह रहे थे कि इस लड़के को कभी भी होश आ सकता है। तुम घर जाओ, मैं इससे बातचीत करके इसे घर वालों को इन्फॉर्म करके आता हूँ। और सब कह रहे थे कि पुलिस वाले भी इसके बारे में कुछ पूछताछ कर रहे थे, न जाने क्या बात है। मैं कुछ देर में चली जाऊंगी, एक्चुअली मुझे मिलने को ही आने वाला है, तो मुझे बहुत प्यास लग रही है, मेरे लिए कुछ पीने के लिए ले आओ ना प्लीज। ठीक है, तुम उसके पास बैठो, अभी आता हूँ। मैं ठीक हूं। डैड मॉम कैसे हैं? वो अब नहीं रहे गौरव। व्हाट? हाँ, दुबई में एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। ओह गॉड, आई एम सो सॉरी। तुमने मुझे कितना पराया समझा, एक फोन तक नहीं किया। फोन किया था गौरव, लेकिन बात नहीं हो पाई, बहुत बिजी थे तुम, तुम्हारी शादी थी उस दिन। ओ हाँ, धनबाद जाते वक्त तो मुझे एक स्टेशन पर देखी थी, इससे पहले कि मैं तुमसे मिलता तुम अचानक गायब हो गई। हाँ, वो पिताजी के पुश्तैनी मकान का पोजेशन देने गई थी। तुमने शादी कर ली है या नहीं? गौरव, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, चीजें भूलने में थोड़ा वक्त लगता है, और फिर कुछ यादें तो ऐसी होती है जो आत्मा में रच बस जाती है। मेरी छोड़ो, ये बताओ, हाउ योर लाइफ एंड वाइफ? शी इज गुड, और लाइफ इज आल्सो गुड। ये बताओ, तुम इतनी रात गए इस हॉस्पिटल में क्या कर रहे? हाँ, वो मेरी एक फ्रेंड है यहाँ, उसी से मिलने आई। सब ठीक तो है ना? बेचारी बहुत परेशान है, मजबूरी में एक ऐसे इंसान से शादी करनी पड़ी जिसे वो प्यार नहीं करती थी, और जिससे प्यार करती थी वो वक्त पर नहीं आया, और अब जब वो वापस आ गया है तो अपने पति से प्यार करने लगी है। अब बेचारी इस जद्दोजहद में है कि क्या करे, जिसे प्यार करती है उसे अपनाए या फिर अपने पति को। इसमें प्रॉब्लम क्या है? पति है तो प्यार तो करता ही होगा। नहीं, उनकी शादी एक समझौता थी जो दोनों ने अपने जिंदगी के साथ किया था। सबसे पहले तो उसे ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि उसका पति उसको प्यार करता है या नहीं। अगर उसका पति उसको प्यार करता है तो समझौते पर प्यार की मोहर लगा देनी चाहिए, और अगर नहीं करता और वो तुम्हारी दोस्त अपने प्रेमी के पास वापस जाना नहीं चाहती, तो आई एम सॉरी टू से, उसे अकेले जिंदगी गुजारनी पड़ेगी।
ये ऐसे भी तो हो सकता है कि जो उन्होंने समझौता किया है वो उसे आगे भी तो बढ़ा सकते हैं, नहीं? नहीं गौरव, ये समझौता अब आगे नहीं चल सकता, क्योंकि वो ये जान चुकी है कि उसका पति किसी और लड़की से प्यार करता है, और जब तक वो अपने पति की जिंदगी में है वो उस लड़की को नहीं अपना सकता। नेहा जिस लड़की के बारे में बात कर रही थी वो लड़की मैं ही हूं, और जो लड़का तुम्हारी टैक्सी से टकराया वो यश है। और नेहा मैं हूं वो लड़की जिसने तुम्हें तुम्हारे गौरव से दूर किया। मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ सकता हूं शिवानी? अरे हमारे बीच में पति पत्नी का रिश्ता ना सही, लेकिन हम अच्छे दोस्तों हैं, और अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या तुम अपने दोस्त को बीच मझधार में छोड़ देती अकेला? अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या ऐसे हालात में रुकती शिवानी? लेकिन मैं तो गौरव का बीता हुआ कल, तुम उसका आज हो। ठीक कहा नेहा तुमने, तुम गौरव का कल हो लेकिन बीता हुआ भी और आने वाला भी। गौरव तुम मुझे इसलिए नहीं छोड़ना चाहते ना क्योंकि तुम मुझे दुखी नहीं बल्कि खुश देखना चाहते हो, तो मेरी उसी खुशी की खातिर तुम नेहा को अपना लो। लेकिन शिवानी प्लीज गौरव, तुम्हें मेरी कसम, मैं ऐसे उधार की जिंदगी जीते जीते थक चुकी हूं, अब मैं खुली हवा में सांस लेना चाहती हूं। अगर तुम दोनों को मिलवाने में मेरा थोड़ा सा भी योगदान रहा तो मैं कम से कम तुमसे आंख तो मिला पाऊंगी। गौरव अगर अब तुमने जिंदगी के साथ मेरी खातिर एक भी और समझौता किया तो मैं जीती जी मर जाऊंगी। गौरव अपनी नहीं लेकिन मेरी खुशी की खातिर नेहा को अपना लो, फिर मैं अकेली कहां हूं? मॉम डैड है, मम्मी पापा है, तुम हो, नेहा है, सब है मेरे साथ, हम सब बहुत खुश रहेंगे गौरव। प्लीज गौरव मेरी इतनी बात मान लो।
एक्सक्यूज मी मिस्टर गौरव। माथुर इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ इस वक्त? मिस्टर गौरव, जिस लड़के का एक्सीडेंट आपकी टैक्सी से हुआ था, मुझे उसके बारे में आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आप जरा एक मिनट। इट्स ऑल राइट, आप इनके सामने बात कर सकते हैं। मिस्टर गौरव, दरअसल ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल क्रिमिनल है। जो कुछ महीने पहले नेपाल से इंडिया डिपोर्ट करते वक्त हमारी पुलिस को चकमा देकर भाग गया था। कई मुल्कों में इसके खिलाफ केसेस चल रहे हैं। इसके पास ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कई बड़े केसेस को सॉल्व करने में हमारी मदद कर सकती है। इसलिए ये मुजरिम अब से हमारी हिरासत में रहेगा और बहुत जल्द हम इसे किसी ऐसी जगह शिफ्ट कर देंगे जिसकी खबर किसी को ना हो, क्योंकि कई ऐसे बड़े लोग हैं जो अपनी जान बचाने के लिए इसकी जान लेने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, हम तो इन्हें यश के नाम से जानते हैं और एक साल पहले तक ये शिवानी के बहुत अच्छे दोस्त थे। यश के अलावा और इसके कितने नाम हैं ये तो शायद इसे भी याद नहीं होगा। मिस्टर गौरव, आप तो RPF ऑफिसर हैं, आपको समझना चाहिए। मैं जानता हूं मिस्टर गौरव कि ऐसे मुजरिम अपने नापाक इरादों को कामयाब करने के लिए कई अच्छे लोगों को धोखा देते हैं और शायद उनमें से ही एक आपकी वाइफ शिवानी रही होंगी। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं मिस्टर गौरव, आपकी ईमानदारी के काफी चर्चे सुने हैं मैंने, इसलिए मेरी सलाह है कि आपकी वाइफ शिवानी इससे अपने संबंधों का जिक्र किसी से भी ना करें तो उनके लिए बेहतर है। बाकी इसके होश में आने के बाद अगर मेरी निगाह में कोई ऐसी बात आई जिसका ताल्लुक आपसे या आपकी वाइफ से हुआ तो मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगा। आई थिंक आप लोगों को अब यहां से जाना चाहिए। एक्सक्यूज मी। चलो शिवानी, घर चलो। साथ हर राह में हर मोड़ पर मंजिलों पे है इसकी नजर, मिल जाए उसके जैसा कहीं हम सफर, कट जाए मुसाफिर ये लंबा सफर। हम सफर, हम सफर, हम सफर, हम सफर, हम सफर, हम सफर, हम सफर। खेल के इंजन जैसा सीना चौड़ा है जाबाजों का, इनके सीने में दिल धड़के नाजुक सा परवाजों का, मुश्किल आसान हो जब हो प्यार का इश्क से मेल, मंजिल गले
सफल।